राइट एप्लीकेशन फॉर इशू 120,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर्स। हम 120,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10 रुपये का एक है, 2 रुपये का प्रीमियम है। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो कॉल बना लेते हैं, तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन पे कितना, 2 रुपये, अलॉटमेंट 3+2 और बैलेंस आपका फाइनल कॉल, तो 5 रुपये का बैलेंस हो गया क्योंकि 10 का आपका शेयर है और 2 रुपये का प्रीमियम है। और आपने जो इशू करे हैं वो 120,000 शेयर्स करे, ज़्यादा आएंगे। देखो आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 150,000 शेयर्स रिसीव, एप्लीकेशन कितनी आ गई, 1 लाख, ज़्यादा ही है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज ये इसके आगे प्रोडक्ट के टॉपिक में, सारे क्वेश्चन होंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के, मतलब जितना आप शेयर इशू कर रहे हो उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आई है। अब देखो ज़्यादा एप्लीकेशन आती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे या फिर आप एडवांस रख लोगे। तो एडवांस रखने का मतलब क्या, प्रोपोर्शनेट अलाउड। तो देखो इसमें आगे लिखा हुआ है शेयर्स अलाउटेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब हमने सबको प्रोराटा अलाउटमेंट कर दिया, यानी कुछ भी हम वापस नहीं कर रहे। तो प्रोराटा अलाउटमेंट का मतलब क्या है कि 30,000 आपने एडवांस रख लिए, और देखो इनका आपस का क्या रेशियो बनेगा, तो 4 और 5 का। ये रेशियो क्या दिखा रहा है कि जिस बंदे ने 5 शेयर मांगे होंगे हम उसको 4 शेयर दे रहे हैं, ये प्रोपोर्शनेट इनके आपस का 15 और 12, तो 4-5, मतलब जो 5 मांगता है उसको हम कितने देंगे, 4 शेयर। यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्या आपने बेसिक पढ़ रखा है, एंट्रीस में होगी 30,000 एडवांस, अगले पर एडजस्ट कर देना। अब आते हैं एक्स्ट्रा क्या होगा, तो देखो आगे देखो अगले का एक्सिस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन फॉर एडजस्टेड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी एप्लीकेशन पे ज़्यादा मिला उसको आपको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देना। कॉल वॉल मेड, कॉल भी मांगी गई आपसे। मन्नू वो अप्लाई 3,000 शेयर फेस टू पे अलॉटमेंट इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसका नाम। तो यहाँ से एक मन्नू है जो अरेयर कर रही है, जिसको 3,000 शेयर क्या है, अप्लाई। तो देखो अप्लाई का मतलब है कि मन्नू है एक जिसने 3,000 शेयर मांगे थे, वो अलाउटमेंट और आगे की कॉल नहीं दे रही, और एक मधुर है वो अलाउटेड, अलाउटेड का मतलब मधुर को जिसको हमने 2,400 शेयर दिए थे, अलाउटेड है मतलब दिए थे, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे रहा। देन दिस शेयर्स वर फॉर फ्यूचर देन द इशू। देखो बात की बात है, अगर आप इसको ध्यान से समझो तो यहाँ पे एरियर करने वाले 2 लोग हैं, एक है मधुर और एक है मन्नू। मधुर ने एरियर किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो इसके लिए तो आपको कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मन्नू है उसने अलाउटमेंट एरियर किया है, तो अगर अलाउटमेंट पे कोई एरियर करता है तो उसके लिए आप बनाते हो वर्किंग नोट। तो आप सबसे पहले बनाओगे वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट का देखो एक फॉर्मूला, वही सीक्वेंस है, ऐसे ही बनाना आपको। तो आपको विषय में दिया था शेयर अप्लाई बाई मन्नू, मतलब कितने शेयर मन्नू ने मांगे, तो कितने मांगे, 3,000। तो निकालेंगे शेयर अलाउटेड टू मन्नू, तो 3,000 उसने मांगे अलाउटेड। अगर आपको निकालना है ये रहा रेशियो 4-5, मतलब 5 वाले को 4 देते, यानी 4/5, 2,400। तो ध्यान रखना एक चीज़, ये ध्यान रखना, आपको अलाउटेड दिया होगा तो अप्लाई निकालना होगा, अप्लाई दिया तो अलाउटेड, एक गिवन होगा दूसरा बनाना। इसके नीचे का वर्किंग नोट सेम बनेगा, इसमें दिया था कि मन्नू ने 3,000 मांगे तो हमें ये निकालना कितना उसको मिला, तो 4/3। एक सबसे छोटी चीज़ जहाँ गलती ना हो यार रखना, प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलाउड करें, तो प्रोपोर्शनेट का हम कम देते हैं, तो कभी भी अप्लाई से ज़्यादा अलाउटेड नहीं हो। देखो अप्लाई है 3,000, अलाउटेड है 2,400। तो अगर आप गलत रेशियो लगाओगे, अगर अप्लाई से अलाउटेड ज़्यादा दिख रहा है, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत करा है। तो ये आपका सीक्वेंस है, सबसे पहला काम अप्लाई दिया तो अलाउटेड निकालो, अलाउट दिया तो अप्लाई निकालो। इसके नीचे का वर्किंग ऐसा ही बनेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, इससे क्या पता चल रहा है कि इसको 2,400 शेयर अलाउटेड है, मतलब 2,400 शेयर मिले हैं। तो अगर एरियर की देखो तो 2,400 × 5 होता है 12,000, पर देखो अभी देखो 12,000 का एरियर नहीं होगा। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, तो उसने कितने शेयर्स मांगे हैं, 3,000, और 3,000 पर उसने 2 रुपये दिया होगा। समझो ये आप एक इंसान की बात करो, बाकी को भूल जाओ, क्वेश्चन को मन्नू की बात कर रहे हैं। तो मन्नू ने 3,000 शेयर मांगे, तो 3,000 पे एप्लीकेशन का 2, यानी 6,000 रुपये उसने दिया। हमने कितने शेयर दिए, उतना का पैसा रखोगे अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन। तो आपने उसको सिर्फ 2,400 शेयर दिए हैं, तो 2,400 × 2 48 रुपये आप रख सकते हो। अभी तो अभी भी 1,200 रुपये एडवांस है, एडवांस फॉर अलाउटमेंट। देखो क्या हुआ, उसने 3,000 शेयर मांगे थे, तो 3,000 पे उसने 2,600 रुपये दिए, हमने उसको सिर्फ 2,400 शेयर दिया, तो 2,400 × 2 = 4,800, तो ज़्यादा कितना है, 1,200 रुपये का। तो वो अगली कॉल पर एडजस्ट होनी है। फिर अगली कॉल मांगी अमाउंट ड्यू ऑन अलाउटमेंट, तो अगली कॉल 2,400 शेयर्स, और अगली कॉल पर मांगेंगे कितने, 3,250 रुपये, तो 2,400 × 5 12,000। जो वो दे नहीं रहा, 12,000 में से 1,200 तो ऑलरेडी दे चुका है, तो यानी एक्चुअली मैं एरियर कितना 10,800 का। बस ये वर्किंग नोट आपको एक्स्ट्रा बनाना है। क्यों बनाते हैं, रीजन समझो, जब होता है कि प्रोपोर्शनेट में होता है क्या कि हम कम शेयर देते, कोई मांगता है 10 तो हम उसको देते हैं 5 या 7, कम शेयर देते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन में तो पैसा पूरे, जैसे इसका इसी बात करें मन्नू की,
तो इसने मांगे 3,000, हमने उसको 2,400 शेयर दिए। तो जब उसने एप्लीकेशन पर पैसा दिया तो 3,000 पे दिया, पर हमने उसको सिर्फ 2,400 शेयर दिए, तो 600 का ज़्यादा पैसा दिया है जो कि हम उसको वापस तो कर नहीं रहे, क्योंकि एडवांस इस एडवांस के अंदर जुड़ जाता है, अगले पर एडजस्ट होगा, तो उसका भी तो एडवांस एडजस्ट हुआ। तो यहाँ जो एरियर उसमें से एडवांस घटा देना है, तो कितना है 600 × 2, 1200 एडवांस है। देखो सीधा भी तो 1200 में से घटा के देखो 10,800। तो आपको ये एक्स्ट्रा काम यही है, आपको एक वर्किंग नोट बनाना है जब भी आपकी अलॉटमेंट की कॉल पर एरियर होगा। अब इसके बाद आपको एंट्री करनी है। देखो एंट्री वही पुरानी होगी, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आई है 1.5 लाख, और 1.5 लाख पे एप्लीकेशन के 2-3 लाख रुपए। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल, हमने शेयर्स कितने दिए सिर्फ 1,20,000, तो 1,20 × 2, 2,40 आ गया शेयर कैपिटल में। और क्या किया, एडवांस रखा, तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ रिजेक्ट हुआ नहीं है, वरना बैंक भी आता। तो एडवांस 30, तो 30 × 2, 60,000 हो गया एडवांस। एप्लीकेशन खत्म हो गया, अब मांगेंगे अलाउटमेंट, तो शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अलाउटमेंट मांगेंगे 1,20,000 शेयर हमने उसको दिया, तो 1,20 से पैसे मांगेंगे, 1,20 पे अलाउटमेंट के 5, तो 6 लाख रुपये, 3,60 कॉल के, 2,40 प्रीमियम के। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो, मन्नू एरर कर रहा है, एडवांस एडजस्ट होगा, कॉल सिन एडवांस टू शेयर अलाउटमेंट। देखो अपने मांगा 6 लाख, एडवांस कितना एडजस्ट हो गया 60,000, एरियर कितना है, तो आइए वर्किंग ध्यान रखना, यहाँ से देखोगे तो 24 × 5, 12,000 दिख रहा है, पर हम देखेंगे वर्किंग नोट से मिला कितना एरियर है, 10,800 रुपये का एरियर। तो ये वर्किंग नोट ये यूज हुआ इस वर्किंग नोट के यहाँ पे, हाँ अलाउटमेंट क्या एरियर, यहाँ से देखो तो 24 × 5, 12,000, बट एक्चुअली में कितना है 10,800, क्यों, क्योंकि 1200 उसने एडवांस दे रखा है, तो एरियर एडजस्ट हो गया, तो 5,70,200, 69 हाँ, ये आपका आ गया अलाउटमेंट तक। अलाउटमेंट के बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 1,20,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5, 6 लाख रुपए। फिर पैसा मिलने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट एरियर है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो मांगा आपने 6 लाख, अब देखो एरियर कैसे निकलेगा। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो यहाँ पे मधुर ने भी पैसा नहीं दिया और मन्नू ने भी नहीं दिया, मन्नू के कितने शेयर 2,400, मधुर के भी कितने 2,400, यानी कुल मिला के आपके 4,800 शेयर्स पे एरियर होगा, 4,800 पे 5, 24,000 का एरियर, तो 5,76,000 आ गया। यहाँ तक दुआ से देख लो, क्योंकि ये आगे की एंट्री फिर फोफूचे में गलती है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन मांगा 1,50,000 पे, एप्लीकेशन के 2 आए, 3 लाख रुपए आ गए, 3 लाख आया, अपने शेयर दिए 1,20, तो 2,40 यहाँ पे, बाकी 30 एडवांस होगा, तो कॉल्स एडवांस, ये पहली दो एंट्री होगी। फिर आपने अलॉटमेंट मांगा 1,20 पे 5 रुपये, 3 कॉल 2 प्रीमियम। मिलने की बारी आई, तो 6 लाख मांगा है, आपका एडवांस कितना, ये वाला 60,000 एडवांस एडजस्ट हो गया। और एरियर यहाँ से देखोगे तो 12, लेकिन वर्किंग नोट से देखो कितना 10, क्योंकि एडवांस था, तो वर्किंग नोट से देखेंगे एरियर, तो 10,800 का एरियर हो गया, बाकी जो घटा के बच गया बैंक में आ गया। उसके बाद फिर आपने फर्स्ट कॉल मांगा, तो 1,20 पे फर्स्ट कॉल के 5, 6 लाख रुपये, 6 लाख में से इन दोनों ने एरियर नहीं किया, एरियर पैसे नहीं दिया, मन्नू मधुर, मन्नू के 2,400, मधुर के 2,400, 4,800 शेयर पे 5, यानी 24,000 का एरियर, तो घटा के आ गया 5,76,000 बैंक में। ये हो गया आपका फाइनल कॉल तक एंट्री। अब आपको एरियर करना, फो फ्यूचर करना है, मन्नू के है 2,400 शेयर्स और मधुर के भी कितने हैं 2,400, इन्हें कुल मिला के 4,800 शेयर आपको फो फ्यूचर करना है। ध्यान से समझा एंट्री, फो फ्यूचर में गलती करते हैं। तो एंट्री है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल मतलब जितना मांगा, तो 2,400 शेयर्स, और आपने पूरे 10 रुपये मांगे, यानी 48,000 रुपये मांगा, टू शेयर फोरफीचर, फोरफीचर में आता जो मिल गया, तो 2 अलग अलग इंसान है, कितना कितना मिला। देखो अगर बात की जाए मधुर की, तो मधुर ने फर्स्ट कॉल से एरियर कराया, मतलब ये पहले की दोनों कॉल दे चुका है, 3 और 2, 5, तो मधुर के 2,400 शेयर्स पे 5 मिल गए, यानी 12,000। मन्नू का अगर आप यहाँ से देखो तो 2,400 पे सिर्फ एप्लीकेशन दिख रहा 4,800, लेकिन ये लिखते ही आपका गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आपने बनाया है इसका वर्किंग नोट, तो आपको देखना होगा वर्किंग नोट से। देखो उसने अगर दिया की बात करें, तो उसने एप्लीकेशन के 4,800 दिए, अलाउटमेंट के 1,200, कुल मिलाकर उसने मुझे कितना पैसा दिया 6,000। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जगह पर वर्किंग नोट का यूज होता है, तो उसने हमें दिया कितना 6,000,
तो मन्नू से मिला 6000 और मधुर से मिला 2400 पे 5, 12, तो 6 और 12 18000 रुपये आपको मिल गया शेयर फोफिचर। और क्या नहीं मिला? तो शेयर अलाउटमेंट नहीं मिला। किसने नहीं दिया? सिर्फ मधुर ने नहीं, मन्नू ने दिया। मन्नू ने कितना नहीं दिया? तो वर्किंग नोट से देखो 10800। और क्या नहीं मिला? तो शेयर फाइनल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। दोनों ने दिया तो 4800 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 नहीं मिले। 4800 × 5 24000 रुपये। दोबारा से समझ लो, शेयर कैपिटल 4800 शेयर करके कैसे पाया? 24 24 48। 24 कैसे? इसके 24, इसने 3000 मांगे थे, इसको 2400 मिले, तो 2400 इसके, तो 4800 पे 10 मांगे, मिला कितना? तो मधु यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, मधुर जो है उसके 2400 शेयर पे आपको 5 मिल रहा है। 5 कैसे? ये नहीं दे, तो ये दोनों 3 और 2 5 प्रीमियम दे चुका है, यहाँ कैसे प्रीमियम दे चुका है, तो 5 का मतलब 12000 मिल गया। और मन्नू ने वर्किंग नोट से कितना दिया? 6000। एप्लीकेशन अलाउटमेंट मिल गया, तो कुल मिला के 18000 मिल गया। तो 18000 यहाँ आ गया। अलाउटमेंट नहीं मिला, कितना? वर्किंग नोट से 10800। और फर्स्ट कॉल पे दोनों ने दिया तो दोनों का 24000। अभी देखो बराबर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आपने एक बात पढ़ी है कि अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो उसको डेबिट करते हैं। तो देखो मधुर यहाँ से एरर कर रहा है, मतलब प्रीमियम दे चुका है। मन्नू यहाँ से एरर कर रहा है, मतलब प्रीमियम नहीं दिया। तो मन्नू के 2400 शेयर्स पे 2 रुपये प्रीमियम के नहीं मिले। 4800 ये हो गया आपका फोफिचर। अब इसके बाद आपको करना है रीशू। तो रीशू यहाँ मैं बीच से घंटे मिटा के यहाँ पे रीशू कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो अगर बात की जाए रीशू की, तो रीशू की एंट्री पहले लिख लेते हैं फिर वैल्यू डालेंगे। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल जो। ये एंट्री है रीशू की। बैंक में आता जितने शेयर बेचे हो जितने के रेट से, तो क्वेश्चन में लिखा था कि ऑल द फोरफिचर शेयर्स वर इशू एट 9%, सारे शेयर हमने 9 के रेट से बेच दिए। तो 4800 शेयर और 9 के रेट से बेचा तो 43200 मिला कितना? तो ये रहा 18000 मिल गया। फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप का था फेस वैल्यू 4800 × 10 48000, फिर घटा देंगे तो 13200 रुपये आ गया। 13000 मतलब देखो अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर प्रोराटा में, तो देखो सब कुछ तो वही था, एनटी से बेसिक बेसिक ही चल रही थी। एक्स्ट्रा क्या होगा कि ओवर सारे क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन वाले होंगे। अगर अलाउटमेंट पे कोई एरर करेगा तो उसके लिए आपको एक सीक्वेंस में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में याद रखना कि अगर अप्लाई दिया तो अलाउटेड निकालना है, अलाउटेड दिया होगा तो अप्लाई निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि मन्नू का अप्लाई, अप्लाई का मतलब होता है कि उसने इतने शेयर मांगे, तो अब ये निकालना होगा उसको कितने शेयर मिले। तो यहाँ पे मन्नू ने मांगे थे 3 और मिले कितने? 24। वही मिले दिया होता तो ये मांगते, फिर नीचे का पूरा वर्किंग नोट, देन फिर एंट्रीज। और ध्यान रखना जो छोटी मोटी जो गलती होगी फोफिचर और इशू की एंट्री में, तो आपको ध्यान रखना। कोई दिक्कत हो देखो, करके देखो क्वेश्चन को, फिर कमेंट करके पूछना। बस बाय बाय।